दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्टॉक एनालिसिस करके देने वाला हूं जिसमें आप लोग एसआईपी का भी प्लान कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है और आने वाले टाइम में इसमें एक ह्यूज ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। आपको भी पता होगा मैं बात कर रहा हूँ जिस स्टॉक का, दोस्तों इस स्टॉक का नाम है अपोलो हॉस्पिटल। आपको पता होगा अपोलो हॉस्पिटल की पूरे देश भर में ब्रांचेस लगभग लगभग आज की डेट में हैं। और दोस्तों मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इकट्ठा पैसे लगाते हैं तो हो सकता है कि आपको शायद ज़्यादा महंगा पड़ जाए। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ एसआईपी करने के लिए कि एसआईपी में आप छोटे छोटे अमाउंट से भी इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, सो दैट कि आप लोगों को ज़्यादा महंगा भी ना पड़े और आप लोगों का इस क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। दोस्तों बात कर रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल में न्यू बिजनेस एक्सपेंडेशन की, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक न्यूज़ आ रही है अपोलो हॉस्पिटल टू इन्वेस्ट 3435 करोड़ ऑन कैपेसिटी एक्सपेंशन पोस्ट 233 करोड़ नेट प्रॉफिट Q2। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इनका Q2 में लगभग 233 करोड़ का M2M प्रॉफिट चल रहा था जिसमें इन्होंने न्यू एक्सपेंशन करने का प्लान बनाया है और 3435 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान ओवरऑल इन्होंने रेडी किया है। देखिए इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है लेकिन पुणे, नासिक और महाराष्ट्र के एरिए में इन्होंने करीब करीब 1000 बेड से ज़्यादा का नया हॉस्पिटल ओपन करने का भी नया प्लान रेडी किया है। तो दोस्तों मैं अभी और डिटेल में इनके बहुत सारे जो न्यू बिजनेस एक्सपेंशन वाले प्लान्स हैं उनको वॉच कर रहा था जिसमें मुझे और सारी ये न्यूज़ इनकी पता चली हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमको चार्ट में क्या समझ में आता है। देखिए नो डाउट दोस्तों निफ्टी 50 का ये एक पावरफुल स्टॉक है और ये एक अपने आप में मार्केट लीडर की तरह काम कर रहा है। पिछले 2-3 सालों से इसको मैं लगातार ट्रैक कर रहा हूँ। इस स्टॉक में एक पावरफुल मोमेंटम अपसाइड का बना हुआ है और ये मोमेंटम मुझे पिछले 2-3 सालों में दोस्तों कहीं भी रुकता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो चलिए सबसे पहले रैली की बात करते हैं। लगातार दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो पहले इस स्टॉक में जो कैंडल्स बन रही थी काफ़ी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी और जैसे ही इस बिजनेस में एक एक्सपेंशन यानी कि ग्रोथ दिखाई देना शुरू हुआ तो फिर आप देखेंगे कि इस स्टॉक में एक रॉकेट जैसा मोमेंटम करीब करीब 1000 के लेवल से बनता हुआ दिखाई देने लगा। दोस्तों ये रैली फिलहाल अभी तक रुकी नहीं है और आने वाले टाइम में अगर इस स्टॉक का प्राइस 10,000 रुपीज़ भी हो जाता है यानी कि इंडियन रुपीज़ में 10,000 रुपये भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 1000 रुपये से लगातार यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम बना हुआ है और ये मोमेंटम अभी कहीं भी दोस्तों रुकता हुआ दिखाई मुझे नहीं दे रहा है। लगातार ये एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बनाता है ब्रेकआउट के बाद और फिर नया ब्रेकआउट देने के लिए ये स्टॉक रेडी हो जाता है। करंट में अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एक पावरफुल स्टॉक लॉस मुझे दिखाई दे रहा है, जल्दी से स्टॉप लॉस टूटना नहीं चाहिए। लगभग 5,900 के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है और करंट में ये स्टॉक 6,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 6,600 ये देखेंगे 6,600 के आसपास ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है तो इसमें आप लोग एसआईपी का प्लान करना शुरू कर सकते हैं। ये आने वाले टाइम में आप लोगों को करोड़पति भी बना सकता है। इस स्टॉक में इतना दम है दोस्तों और इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि इनके पास हमेशा कैश फ्लो और ऑर्डर फ्लो बने रहते हैं यानी कि इसमें कैश फ्लो की कभी भी कमी नहीं होती है और डेब्ट फ्री कंपनी है। ओवरऑल आपको पता होगा वही कंपनी सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है आज के टाइम में जो कि डेब्ट फ्री है और जिसमें कैश फ्लो हमेशा प्रॉपर वे में मेंटेन रहता है। दोस्तों यहाँ पे करेंट में 5,900 का एक स्टॉप लॉस बनेगा और यहाँ पे आप मंथली या फिर आपको हाफ ईयरली या क्वार्टरली जैसे भी लगता है आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसका जो टारगेट है दोस्तों करीब 6,600 से लेके 8,800 तक का मुझे इमीडिएट टारगेट इसमें ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपका व्यू लंबा है तो ये लगभग 10,000 के आसपास इस स्टॉक का प्राइस जल्दी ही होने वाला है। हो सकता है कि 10,000 के आसपास जाने के बाद इसमें आपको स्प्लिट भी देखने के लिए मिलेगा तो स्प्लिट का बेनिफिट भी आप लोग ले सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो वहां पे आपको ऑफर स्टॉक भी या ऑफर शेयर भी मिल जाते हैं।
तो इसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। करेंट में SIP का बहुत बढ़िया एरिया है जहां पे आप लोग SIP कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहां से देखते हैं 1000 रुपीज़ से इस रैली को कंटिन्यू होता हुआ, तो करीब करीब यहां पे 6000% से ज़्यादा का रिटर्न मुझे लाइव में दिखता है। तो इस हिसाब से इस स्टॉक में देखेंगे तो एक रॉकेट जैसा और एक फायर मोमेंटम अभी इस स्टॉक में बना हुआ है। फिलहाल चार्ट में कहीं किसी तरीके की वीकनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट का एनालिसिस मैं आपको समझा रहा हूँ। देखेंगे तो इस स्टॉक में प्रॉपर एक नीचे से नॉन स्टॉप रैली बनी हुई है और एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बाद ये हमेशा नए ब्रेकआउट के लिए रेडी हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्राइस बिहेवियर की। करंट में अपोलो हॉस्पिटल के इस प्राइस को देखेंगे तो 6600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट में इंट्राडे में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि इन बड़े और क्वालिटी वाले स्टॉक्स में आप इकट्ठे पैसे अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो SIP करना शुरू कर सकते हैं। करंट में देखेंगे तो थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वाला शो हो रहा था, लेकिन लगातार नीचे से स्ट्रेंथ इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट 5 डेज में अगर देखेंगे दोस्तों तो करीब करीब 6400 से लेके 6000 करीब करीब 800 तक ये स्टॉक गया, लेकिन उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल और उसके बाद अगेन यहाँ पे ऊपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ करेंट में दिखाई दे रहा है। लास्ट अगर 1 मंथ में डेटा को देखेंगे दोस्तों तो लगातार 5900 जो कि मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया था, यहां से देखेंगे तो कंटिन्यू एक रैली अभी इस स्टॉक में पकड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और यहां पे लास्ट 6 मंथ में ओवरऑल डेटा को अगर एनालिसिस करते हैं दोस्तों तो देखेंगे करीब 5000 के प्राइस से लगातार इसमें अपसाइड का मोमेंटम स्लो एंड स्टेडी अभी कंटिन्यू चल रहा है। देखिए हमेशा एक स्टॉक के प्राइस बिहेवियर को चेकआउट इसलिए करना चाहिए जिसमें आप लोगों को उस स्टॉक के मोमेंटम के बारे में पता चले। अगर वो स्टॉक बहुत तेजी के साथ भाग रहा है यानी कि कहीं कहीं उस स्टॉक में बड़ा करेक्शन होने वाला है, लेकिन लास्ट 6 मंथ में मैं हमेशा आपको दोस्तों एक चीज यहां पे प्लान करता हूं दिखाने का, प्राइस बिहेवियर लास्ट 1 डे 5 डे 1 मंथ 6 मंथ का मैक्सिमम मैं हर एक वीडियो में प्राइस बिहेवियर जरूर दिखाता हूं। इसका बेनिफिट यह होता है दोस्तों कि आपको उस स्टॉक का कंप्लीट प्राइस बिहेवियर पता चले कि इस स्टॉक में आपके लिए कहीं खतरा तो नहीं है या फिर आपके लिए स्टॉक सेफ कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी स्लो एंड स्टडी ये स्टॉक ग्रो कर रहा है और यहाँ पे एक रॉकेट जैसा मोमेंटम अभी फायर होने के लिए बचा हुआ है। दोस्तों अच्छी बात यह है कि इस स्टॉक के इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड भी आपको 0.23% के आसपास का मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतर है मेरे हिसाब से। और ये आने वाले फ्यूचर में ये स्टॉक आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है और ये मल्टी बैगर स्टॉक भी है। दोस्तों यहां पे ओवरऑल अगर हम इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.81% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जिस हिसाब से इस स्टॉक की क्वालिटी है और ये कंपनी, उस हिसाब से इनका प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा निकल कर सामने आ रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस स्टॉक के टेक्निकल्स की। देखिए टेक्निकल्स भी जानना जरूरी होता है, चूँकि हम लोगों ने फंडामेंटल्स देखा, न्यूज़ देखा, चार्ट के प्राइस को देखा, लेकिन टेक्निकल्स इंडिकेटर क्या कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। यहाँ पर मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाइंग का रिकमेंड दे रहा है, मोमेंटम ऑसिलेटर लगभग 100% स्ट्रॉन्ग बाइंग ही है, ट्रेंड ऑसिलेटर्स भी लगभग श्योर पॉजिटिव ही है, वोलेटिलिटी भी ओवरऑल दोस्तों यहां पे पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। ओवरऑल दोस्तों टेक्निकल मीटर को देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाइंग का रिकमेंडेशन दे रहा है। इस स्टॉक में करेंट में मुझे कोई सिनेरियो ऐसा नहीं दिख रहा है जहां पे यहां पे एक बड़ी गिरावट आए। अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे SIP आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने वाले टाइम में इस बिजनेस में मुझे एक ह्यूज ग्रोथ दिखाई दे रही है और आने वाले टाइम में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। देखिए अगर मल्टी बैगर स्टॉक आप लेंगे, उस पे SIP करेंगे, तो दोस्तों उस मल्टी बैगर रिटर्न भी आपको इन फ्यूचर मिलेगा और काफ़ी अच्छे स्टॉक ये निफ्टी 50 का काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और दोस्तों इस बिजनेस की खास बात ये है कि इसमें हमेशा कैश फ्लो बना रहता है। देखिए मैं हमेशा कैश फ्लो और ऑर्डर फ्लो की बात इसीलिए करता हूँ दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो और ऑर्डर फ्लो। अगर जिनमें जिस कंपनी में या जिस स्टॉक में ये दोनों चीज़ें बनी रहती हैं, ओवरऑल उस कंपनी का या उस स्टॉक का ग्रोथ होना 100% श्योर है। तो दोस्तों करेंट में आप लोग 5900 की स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीद सकते हैं और कंटिन्यू इस रैली का इंजॉय आप
कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं किसी तरीके से मैं आपको स्टॉक को एनालिसिस वीडियोस देता रहूं, तो दोस्तों हमारे चैनल को आप फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि इसी तरीके से स्टॉक के एनालिसिस वीडियोस आपको मिलते रहें और आप इसमें लर्निंग और अर्निंग दोनों कर सकें। दोस्तों अगर अब तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि जो भी मेरी लाइव पोजिशन रहती है, जो भी मैं स्टॉक एनालिसिस वीडियोज पोस्ट करता हूँ, सबसे पहले अपडेट मैं वहाँ पर देता हूँ। एंड अच्छी चीज़ यह है कि मैं स्विंग ट्रेड्स लाइव मार्केट में आपको देता रहता हूं, कहां पे एंट्री, कहां पे एग्जिट एंड कहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ये भी सारी चीजें आपको मैं हेल्प करता रहता हूं। तो इसका बेनिफिट आप लोग फ्री में ले सकते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी लर्निंग कंटेंट्स आपको फ्री में मिलते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और नए लर्निंग एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे क्वालिटी वाली स्टॉक्स में SIP करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको फ्यूचर विजन अपना रखना पड़ेगा। और अगर आपका फ्यूचर में कोई गोल है तो आप उन गोल को सेट करो। और यही कुछ क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो कि मैं अपने हर एक वीडियोस में बताता रहता हूं, अलग अलग क्वालिटी स्टॉक्स, अलग अलग फंडामेंटल और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, जिनको आप लोग खरीद कर अपने गोल को फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों गोल एक दिन में जो आपका होता है वो फुलफिल नहीं होता, उसके लिए हार्डवर्क और कंटिन्यू मेहनत करने की जरूरत होती है। तो आप अगर अभी से इन स्टॉक्स को खरीदोगे, SIP करना शुरू करोगे, या फिर आप इन स्टॉक्स के बारे में लर्निंग करना शुरू करोगे, तो ही आगे चल के आपके गोल फुलफिल हो पाएंगे दोस्तों, तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए लर्निंग एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।